सखी मिलन हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ जिया जो है मनीषा जी का बीपी चेक कर रही है। अरे जी अभी अभी फोन आया हमारे साथ के हैं क्रिएटर हैं, वो कपल हैं, वो अभी बिहार से हैं, आप लोग उनको देखते हैं तो आप लोग जानते भी होंगे उनको, सचिन और मनीषा जी। तो उनका फोन आया है कि आज वो मिलने आ रहे हैं, तो अभी अभी फोन आया है उनका, अपना लाइव लोकेशन भेज दिया है। मनीषा जी का कॉल आया था कि आप अपना लाइव लोकेशन भेज दीजिए, तो भेज दिया है, वो आने वाले हैं। बाकी वो लोग जो आ रहे हैं, इससे पहले हम लोग अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। मौसी आज मटर पनीर बना रही है, वैसे वो लोग नॉनवेज खाएंगे, शाम में नॉनवेज भी आ जाएगा। A few moments later. तो यहाँ सचिन भाई लोग आ गए हैं, सचिन और मनीषा जी। गाड़ी के पार्किंग का समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाया जाए, देखते हैं पार्किंग का कुछ सीन एडजस्ट हो जाए। ये आइए आप लोग, ऐसा जगह हम गाड़ी लगाए हैं। तो सचिन भाई सब आ गए हैं यहाँ पर, सखी मिलन हो गया है यहाँ पर। मेरे को लग रहा है मेरी छोटी बहन है। अच्छा। तुमसे कम ही पतले होंगे सब। आपका पेट, मेरा पेट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पतले ही है, हम तो है ही, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा। नहीं जिया छोटी भी है। नहीं मनीषा हील पहन ली नीचे। हील कहाँ पहने? नहीं पहनी है। वो मेरी छोटी बहन। अच्छा छोटी बहन है आपकी। चलिए आप लोग ऊपर जाइए, लगाते हैं हम, आप लेके जाइए। फाइनली इनका पार्किंग का मसला जो है वह खत्म हुआ, यहाँ पर एक जगह मिल गया इनको। उम्मीद करते हैं कि मकान वाले कुछ दिक्कत ना करे। तो फाइनली सचिन भाई, मनीषा जी और इनकी सिस्टर पधार चुकी है हमारे घर में। हम लोग जा रहे हैं तो कह रही कि आज रहिएगा नहीं। अच्छा। नहीं बोले तो थे रहेंगे ही, लेकिन शायद हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं। सही बात है। नहीं तो आज पूरा यात्रा हो जाना था, गंगा स्नान कर लेते। नहीं दिया रहता है यहाँ तो, घर जैसा दिया हुआ है एकदम, सब कुछ। किचन का कंपेयर कर रही हूँ, मेरे किचन ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा किचन है, इसमें सब कुछ है। चलिए आपके भी किचन में चलेंगे, देख लेंगे कैसा है। अच्छा जी, आज वो आ गया ऑयल डिस्पेंसर। मोटा होने में भी बहुत प्रॉब्लम है, दोनों होने में प्रॉब्लम है। देखो अब सचिन भाई भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक बार मोटा हो जाना आदमी तो फिर पतला नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, मोटा ज्यादा नहीं होना है, बस थोड़ा सा एक ही पाउडर से आप मोटे भी हो जाएंगे पतले। दूध में खाओगी तो मोटी हो जाओगी, पानी के साथ। और शाम में जो है नॉन वेज का भी व्यवस्था है। दीदी आ रही है। कौन दीदी? अच्छा वहाँ से। हाँ नैन्सी दीदी आ रही है। ये देखिए कैसे बैठ गया है, सबसे पहले खाने। नहीं खाने में शर्माना नहीं है, ज्यादा अपना ही घर है। जी बैठ जाइए, हम आएंगे, पहले आप लोग खा लीजिए। खाते हैं पहले, आप लोग खाइए ना। मेरे भाई का नाम है मोनू और मेरा सोनू। सोनू मोनू थे तो भाई, दोनों रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। सोनू बोला मैं खाऊंगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। अच्छा मम्मी बता रही है मनीषा जी खाना टेस्टी है। नैन्सी दीदी बनाने ही नहीं देती है इसको। वो भी नहीं बनाने देती है, यहाँ आई थी अभी नहीं बनाती, आज इसकी तबीयत सही नहीं थी। नहीं हम लोग भी सोच रहे थे अब दिल्ली आ गए हैं, कब मुलाकात करेंगे इन लोग से, हो गई मुलाकात आज। सचिन भाई को बहुत जोर वाली नींद आई है, वो नींद इसलिए आई, आँख खुल गया था अभी। क्यों नींद आई है? मनीषा जी को शॉपिंग करना था तो इन्होंने बोला चलो शॉपिंग करा दो, उनको बहुत जोर वाली नींद आ गई। हंस रहे तो सचिन भाई जो है फ्री फायर खेल रहे हैं, और इधर इन सखी का जो है गपशप चल रहा है। इस बात पे हंस रही है, आप जान लेंगे तो आपके पेट फूल जाएंगे। हमारा तो एडिटिंग हो गया है, सचिन भाई का अभी भी गेम जारी है। लगभग लग रहा है कि पिछले शायद दो या ढाई घंटे से हम एडिटिंग कर रहे हैं, सचिन भाई 2 या 2.5 घंटे से गेम खेल रहे हैं उधर, तो गेम के अच्छे खासे शौकीन नजर आ रहे हैं। छोटे भाई खेल रहे। अच्छा छोटे भाई खेल रहे। आते ही हमसे पूछे
कि आप गेम खेलते हो? आपके नहीं जी, हम तो गेम नहीं खेलते हैं। One hour later. और यहाँ जो है रात के खाने की तैयारी चल रही है, तीनों महिला सेनानी एक साथ बैठ करके बना रही है, दोनों बहू को सिखा रही है। अच्छा, क्या सिखा रही है? सिखा रही है कैसे लहसुन छिलोगी, गृहस्थी चलाओगी। तो यहाँ लग रहा है नैन्सी दीदी भी आ गई है। अच्छा, लड्डू आ गया। तो सचिन भाई एक गेम पार्टनर ढूंढ रहे थे। अच्छा हाँ, ये भी खेलता है, कस्टम खेल रहे, कस्टम। तो यहाँ जिया जो है मनीषा जी का बीपी चेक कर रही है। मनीषा जी जैसा जैसा सिम्टम बता रही है, तो हमें उम्मीद है कि जिया की तरह इनका भी बीपी लो है। के बाहर निकल जाएगा नहीं, पूरा कचरा करती है ना, तो बीपी ठीक ही होगा वैसे। तो इनका जो रीडिंग आ रहा है नीचे का 101, तो यह 80 होना चाहिए, और वह है रीडिंग आ रहा है 101। पी हाई है, गुस्सा सब ज्यादा करती है क्या? मजा आ रहा है, मसाज हो रहा है। घंटा पिया हुआ है। अच्छा, या कोई गेम चल रहा है और इसको बीच वाला उंगली पकड़ना है, बीच वाला उंगली पकड़ना है। बीच वाला वही है ना? पक्का यही है, यही है। दोनों मिला के एक है। जिया को देख करके कॉन्फिडेंस आ गया कि मनीषा के हेल्थ सही है। तो चलो मार्केट चलते हैं। चलो सेटिंग चल रहा है। तो तीनों ने गोलगप्पा का यह दोनों हाथ में थाम लिया है, और साथ में लड्डू भी आ गया है। वह कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं। खुल गया मनीषा का। अरे भाई सो। तो मनीषा जी खा रही थी, ले रही थी मुंह में, लेकिन गिर गया यहाँ डस्टबिन में, क्योंकि शाश्वत भाई को नजर मिल नहीं रहा था। शाश्वत भाई बोले कि मुझे भी दो। यहाँ पर सचिन भाई अपना दो ग्लास जो है जूस पैक करवा रहे हैं। जी हमारा आ गया है डाइनिंग टेबल। फाइनली हमारा यह टेबल चढ़ गया है, और हमें उम्मीद नहीं थी कि यह ऊपर तक आ जाएगा। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इसका पैर ना काटना पड़े। तो धन्यवाद इन दोनों भाई का, जिनकी वजह से आ पाया। नहीं, मेरा भी थोड़ा दिमाग था, मेरा राजू भाई का था शायद। जो भी हो गेस्ट बन के जाओ, और एक होता है अपने घर के अपने बन के जाओ, दोनों में फर्क होता है। सही बात है, गेस्ट बन के नहीं अपने घर में आए। ये सब लोग आएंगे हमारे वहाँ तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल आएंगे जी आप लोग के यहाँ, और आप लोग लेकिन टाइम लेके आते थोड़ा और तो और ज्यादा मजा आता। तीन दिन से घर से निकल रहे थे। अच्छा, यहाँ एक दिन रुकना है। मम्मी कह रही बेटा कल जाना, कल कह रही परसों जाना, परसों कह रही अगले दिन जाना। अच्छा, कह रही थी मैं ना आज जाऊंगा मैं।
A few moments later. तो भाई साहब यहाँ पर सचिन और मनीषा जी जो हैं, अब यहाँ से कुछ ही देर में विदा होने वाले हैं। लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिले। क्या कर रहे हैं? इसलिए मुंह छुपा रहे हैं। कह रही थी कि आप लोग नहीं रुके, हम लोग भी जब आएंगे तो एक घंटे के लिए आएंगे, तब देखना आप लोग कितना जाएंगे। जरूर, लेकिन एक पहली बार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, बाकी कॉल पर बात हुआ करती थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले हैं और इतना अच्छा माहौल था। जिया से पूछते हैं ना, जिया को कैसा लगा? हम लोग बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब बहुत खराब लग रहा है। इसको सबसे मजा तब आया पूरा अंधेरा करके हम और ये बात कर रहे हैं और अपना पर्सनल और क्या खतरनाक हुआ, आप लोगों ने देखा होगा इसी ब्लॉग में। हमें लगा क्या ये लोग सोने वाले हैं तो हम लाइट बंद कर दिए, लेकिन ये लोग क्या सोएंगे, आपस में गपिया रहे हैं ये लोग। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा यह जुगलबंदी अच्छा लगा होगा। हाँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा यह जुगलबंदी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को, अच्छा आप एक साथ बोलते हैं, हमारा अलग तरीका है बोलने का तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सारा लव यू गाइस। और जी तो और जी, एक वीडियो को एक शेयर तो बिल्कुल कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।